नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डा बंगले के बाहर। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से कई योजनाएं, कई स्कीम निकाली जाती हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन जिन तक ये स्कीम नहीं पहुंचती है वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से अपना रूप बनाते हैं, बहरूपीय बनकर भी उन्हें भीख मांगना पड़ती है। मेरे पीछे मैं आपको भालू दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पीछे भालू है। ये भालू का रूप इन्होंने धारण किया हुआ है। लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर जी, मिंदर। कहाँ के रहने वाले हो? जिला संगरूर मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट पंजाब। आप ये काम कब से कर रहे हो? 20 साल से हो गए। 20 साल से लगातार। हाँ, क्यों करते हो ये काम? क्यों करते हैं? इस करके हमारी धाड़ी नहीं लगती, घर बार नहीं है। हाँ सर जी, धक्के खा रहे, भटक रहे कहीं पे। 2-3 बच्चे हैं, दोनों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सर जी, मियाँ भी मेहनत करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, यही काम करके अपने बच्चों का बच्चे पालते सा। बच्चे पालते। जय माता दी। 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से सा। देखो, सरकार की ओर से कई स्कीमें जारी की जाती हैं, क्या आप तक वो स्कीम नहीं मिलती है? यहाँ नहीं सर जी, कुछ नहीं मिला हमें आज तक। हाँ सर जी। तो ये आज उधमपुर में आए, इसके बाद कहाँ जाओगे? इसके बाद मैं कुल्लू मनाली जाएंगे, करसोल, मणिकर्ण। मणिकर्ण जाओगे? हाँ सर जी। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में घूमते? पूरे इंडिया में घूमते सर। यही भीख मांगने का ही काम? हाँ जी सर। क्या आप यही बनते हो कि भीख नहीं मांगते, कला दिखाते अपना? कला दिखाते। और भी क्या रूप धारण किए जाते हैं आपकी ओर से? हमारा रामलीला में काम करते हैं हम, जामत बनते हैं हम। हाँ सर जी, 9 दिन काम करते हैं, 10वें दिन सारा, 20वीं दिवाली। यहाँ पर उधमपुर में कितने दिन रहोगे? हफ्ता रहेंगे और। एक हफ्ता और? हाँ सर। क्या नाम बताया अपना? मिंदर, मिंदर सा। आपने देखा ये मिंदर जी थे और ये पंजाब के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से ये यही काम कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आत्मनिर्भर, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। सरकार की ओर से कई स्कीम जारी की जाती हैं, कई योजनाएं जारी की जाती हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंचने पर ये लोग फिर कोई ना कोई अपना धंधा अपनाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है और अपने बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यही काम करने के बाद अपने देखिए जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाई भी करा रहे हैं उन बच्चों को। उन बच्चों को इस रास्ते पे नहीं डाला, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सरकार की स्कीमें धरी की धरी रह जाती है। ऐसे गरीब लोगों के पास ये स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, इस कारण इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ये मजबूर होना पड़ा और ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों से जो पैसे मिलते हैं उससे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।